तो ये वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे टी सी एम एस के कॉम्पोनेंट्स के बारे में इससे पहले हमने बात किया है टी सी एम एस के बारे में ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम जिसे ट्रेन कंट्रोल मॉनिटरिंग सिस्टम भी बोला जाता है राइट तो टी सी एम एस के अगेन हम लोग थोड़े बहुत इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं तो जैसे कि हमने बात किया है कि जो टी सी एम एस होता है रिस्पॉन्सिबल होता है सारी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करने के लिए कंट्रोल करने के लिए मैनेज करने के लिए राइट right. अगर हम लोग और भी डेफिनेशन देखें टी सी को और हम लोग डिफ़ाइन कर सकते हैं एज सोफेस्टिकेशन एंड कॉम्प्लेसिटी इंक्रीज़ इंटरफेसिंग एंड कंट्रोलिंग आल्सो इंक्रीजेस जैसे यहाँ पर ये डेफिनेशन हमें ये बोल रहा है जैसे जैसे हमारे सिस्टम की कॉम्पलेक्सिटी इंक्रीज करते जाती है तो ऐसे केस में जो इंटरफेसिंग है वो भी इंक्रीज़ करते जाती है और ये सारी चीज़ों को मॉनिटर करना अगर हम हमें हो तो ऐसे केस में हमें कम्प्यूटराइज सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है और वो जो कम्प्यूटराइज सिस्टम होता है उसी को ही हम लोग बोल रहे हैं टी राइट right. तो यहां पर अगर हम लोग देखिए जो ग्राफ है ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है जो सोफेस्टिकेशन और जो इंटरफेसिंग है दोनों के बीच में हमें रिलेशन इंडिकेट कर रहा है जैसे कि अगर हम लोग देखें जैसे जैसे सोफेस्टिकेशन इंक्रीज करते जा रहा है तो इंटरफेसिंग भी इंक्रीज करते जा रही है यहां पर अगर हम लोग देखिए सोफेस्टिकेशन और इंक्रीज हुआ तो इंटरफेसिंग भी इंक्रीज हो गई सोफेस्टिकेशन और इंक्रीज हुआ तो ऐसे के इसमें जो इंटरफेसिंग है वो भी इंक्रीज हो गई तो मतलब जो सोफेस्टिकेशन और जो इंटरफेसिंग है दोनों के बीच का जो रिलेशन हमें जो दिखाई दे रहा है वो डायरेक्ट दिखाई दे रहा है डायरेक्ट रिलेशन

की रिक्वायरमेंट होती है और वो जो कंप्यूटर कंप्यूटर कंप्यूटराइज बेस्ड सिस्टम है उसी को ही हम लोग बोल रहे टी सी एम एस इन ऑर्डर टू हैंडल दिस सिचुएशन कंप्यूटर बेस्ड कंट्रोलिंग इफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड डिस्प्ले सिस्टम इज रिक्वायर्ड राइट तो ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमें कंप्यूटर बेस्ड कंट्रोलिंग इन्फॉर्मेशन और मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए होता है और वो जो सिस्टम है उसी को ही हम लोग बोल रहे टी सी एम एस दिस रिक्वायरमेंट इज़ फुलफिल विथ टी सी एम एस जैसे कि हमने बात किया जो रिक्वायरमेंट है इसको हम लोग फुलफिल कर सकते हैं किसके थ्रू ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू तो अब तक के हमने क्या डिस्कस किया जैसे जैसे सोफेस्टिकेशन और कॉम्प्लेसिटी इंक्रीज़ करते जाते हैं हमारे सिस्टम की तो जो इंटरफेसिंग और जो कंट्रोल है वो भी इंक्रीज़ करते जाती है इंटरफेसिंग और कंट्रोलिंग वो भी इंक्रीज़ करते जाती है और ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कंप्यूटराइज बेस्ड कंट्रोलिंग और इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए होता है डिस्प्ले सिस्टम चाहिए होता है और यही हमें प्रोवाइड करता है टी राइट right, जिसको हमने बहुत सिंपल तरीके से कुछ इस तरीके से डिफाइन किया था कि जो टी होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग एंड फॉर सुपरवाइजिंग एंड फॉर मैनेजिंग ऑल द एक्टिविटीज विच इज हैपनिंग इन द ट्रेन राइट तो जो टी सी एम एस होता है जैसे कि हमने बात किया टी सी एम एस का फंक्शन क्या क्या होता है जैसे कि हमने बात किया था टी सी एम एस करता क्या है कंप्यूटराइज सिस्टम होता है जो कि मॉनिटरिंग रिपोर्टिंग कंट्रोलिंग सुपरवाइजिंग ये सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉसिबल होता है मॉनिटरिंग अगर हम लोग देखें मॉनिटरिंग किस तरीके से करता है कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सिस्टम्स सब सिस्टम्स ऑफ ट्रेन मॉनिटरिंग किस तरीके से करता है जैसे कि हमने बात किया इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है अलग अलग सब सिस्टम से ट्रेन की अलग अलग सब सिस्टम से इन्फॉमेशन को कलेक्ट करके मॉनिटर करने का काम करता है जैसे कि हमने बात किया था अगर कोई डोर अगर आइसोलेट हो जाता है तो उसके बारे में हमें टी में पता चल जाता है तो यहाँ पर टी क्या कर रहा है मॉनिटर करने का, का काम कर रहा है अभी रिपोर्टिंग करने का भी काम कर लेता है टी प्रोवाइड्स एम इन्फॉर्मेशन टू दी ट्रेन पायलट एंड मेंटेनेंस स्टाफ वाया वीडियो डिस्प्ले यूनिट यहाँ पर ये रिपोर्टिंग किस तरीके से तरीके से करता है यहाँ पर जो टी सी है एक तरीके से कंप्यूटराइज सिस्टम है राइट right? अगर कुछ फॉल्ट अगर आ जाता है जैसे कि अगर हम लोग देखें अभी हमने बात किया था अगर डोर अगर कोई अगर ख़राब हो जाता है तो उसके बारे में हमें पता चल जाता है अगर कोई डोर अगर आइसोलेटेड हो जाता है तो उसके बारे में हमें पता चल जाता है किसके थ्रू टी के थ्रू राइट अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें अगर कुछ और भी फॉल्ट आ जाता है कोई अगर फॉल्ट आ जाता है जो कि मतलब विजिबल नहीं होता तो उसको भी मतलब मॉनिटर करने का काम करता है टी सी एम एस जैसे कि अगर कोई फॉल्ट आ जाता है राइट जो कि मतलब कोई इंटरनल फॉल्ट होता है ट्रेन के अंदर कोई इंटरनल फॉल्ट आ जाता है तो ऐसे केस में जो इंटरनल फॉल्ट है उसका हम लोग क्या कर सकते हैं लॉग डाउनलोड कर सकते हैं राइट और वो जो लॉग डाउनलोड करने के बाद हम लोग वो जो फॉल्ट है उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं फर्दर तो यहाँ पर इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग में टी किस तरीके से रिपोर्ट करता है प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू दी ट्रेन पायलट एंड दी मेंटेनेंस स्टाफ वाया अडियो वीडियो डिस्प्ले यूनिट राइट तो रिपोर्टिंग में जो टी होता है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ट्रेन पायलट को और मेंटेनेंस स्टाफ को विद दी हेल्प ऑफ वीडियो वीडियो डिस्प्ले यूनिट वीडियो डिस्प्ले यूनिट के थ्रू राइट right? या फिर हम लोग बोल सकते लॉक्स के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करता है लॉक्स क्या होता है ये बेसिकली हम लोग क्या करते हैं एक तरीके से मतलब डेटा हम लोग बोल सकते हैं डेटा के थ्रू डेटा के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं जो फॉल्ट है उसे रेक्टिफाई कर सकते हैं जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारी ट्रेन में जो जो एक्टिविटीज़ होती है जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर बटन को मतलब प्रेस कर दिया गया एमरजेंसी बटन प्रेस कर दिया गया एमरजेंसी बटन को रिसेट कर दिया गया जो जो एक्टिविटीज़ हो रही है एक एक एक्टिविटीज़ क्या हो रही होती है हमारी ट्रेन में रिकॉर्ड हो रही होती है और वो जो एक्टिविटीज़ है उसको हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं इन दी फॉर्म ऑफ डेटा फॉर एनालिसिस राइट तो रिपोर्टिंग में सीएमएस सी एम किस तरीके से रिपोर्ट करता है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ट्रेन पायलट को और मेंटेनेंस स्टाफ को विद दी हेल्प ऑफ वीडियो डिस्प्ले यूनिट एंड विद द हेल्प ऑफ लॉग्स राइट फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें कंट्रोलिंग आइडेंटिफाई एंड एक्जीक्यूट प्रोटेक्टिव एक्शन इन केस ऑफ फॉल्ट सेटिंग प्रायोरिटी एट द टाइम ऑफ ट्रेन वेकअप स्टार्टिंग टाइमिंग ऑफ वी ए सी कम्प्रेसर टू रिड्यूज दी इनरज करंट लोड ड्यू टू साइमिलटेनियसली स्टार्टिंग एनर्जाइज वन टैन वोल्ड डिजिटल आउटपुट एज फॉलोइंग केसेज ब्रेक्स आर आइसोलेटेड मोर दैन फिफ्टी परसेंट इन द ट्रेन ऑल बैटरी चार्जर आर फेलियर तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग का काम किस तरीके से करता है जैसे कि अगर हम लोग देखें फर्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देखें आइडेंटीफाई एंड एग्जीक्यूट प्रोटेक्टिव एक्शन इन केस ऑफ फॉल्ट राइट मान लेते हैं हमारी ट्रेन में कोई फॉल्ट आ गया राइट right. अब ये जो फॉल्ट है उसे रेक्टिफाई करने के लिए क्या एक्शन लेना है वो टी सी एम एस को पता होता है और जो टी सी एम एस होता है वो फॉल्ट को क्या कर देता है रेक्टिफाई कर देता है राइट right. इसका अगर हम लोग सिंपल सा एग्जांपल कंसीडर करें जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हमारी जो ट्रेन है वो स्टेशन पर आके रुक गई राइट right? और ट्रेन के सारे दरवाजे बंद हो गए फिर उसके बाद हुआ क्या ट्रेन का एक जो दरवाज़ा है जो डोर है वो बंद नहीं हो पाया अब ट्रेन का दरवाज़ा अगर बंद नहीं हो पाया तो ट्रेन हमारी मूव नहीं हो पाएंगी ये पैसेंजर की सेफ्टी के लिए ट्रेन का दरवाज़ा ट्रेन का डोर अगर बंद नहीं हो रहा है वो पर्टिकुलर डोर तो ऐसे केस में हमारी जो ट्रेन होगी वो बंद हमारी जो ट्रेन है वो मूवमेंट नहीं कर पाएंगी मूवमेंट इसलिए नहीं कर पाएंगी क्योंकि एक रिले होता है जिसे बोला जाता है डोर इंटरलॉक रिले वो जो डोर इंटरलॉक रिले वो एनर्जाइज नहीं हो पाएगा जिसके वजह से जो प्रपलशन सिस्टम है उसे कमांड नहीं जा पाएगा और हमारी जो ट्रेन है उसे ट्रैक्शन नहीं मिलेगा जैसे कि जब ट्रेन के सारे डोर बंद हो जाते हैं तो ऐसे केस में जो एक रिले होता है जिसे बोला जाता है डोर इंटरलॉक रिले वो जो डोर इंटरलॉक रिले होता है वो एनर्जाइज हो जाता है और जब वो एनर्जाइज होगा वो तभी एनर्जाइज होगा जब सारे के सारे डोर क्लोज हो जाएंगे मगर अगर एक भी डोर अगर क्लोज नहीं होता है तो ऐसे केस में जो डोर डोर इंटरलॉक रिले वो एनर्जाइज नहीं हो पाएगा और अगर वो डोर इंटरलॉक रिले अगर एनर्जाइज नहीं होगा तो जो प्रपलशन सिस्टम है उसमें कमांड नहीं जाएगा प्रपलशन सिस्टम में अगर कमांड नहीं जाएगा तो हमारी जो ट्रेन है उसे ट्रैक्शन नहीं मिलेगा तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है जैसे कि हमने एग्जाम्पल में कंसिडर किया एक जो डोर है वो बंद नहीं हो रहा है अभी वो डोर बंद नहीं हो रहा है तो ऐसे केस में टी क्या करेगा अभी वो डोर बंद नहीं हो रहा है क्योंकि वो डोर में कुछ फॉल्ट आ गया है अभी हमारी ट्रेन को हम लोग स्टेशन पर ज़्यादा देर तक रुक रुका के भी नहीं रख सकते ट्रेन का हमें मूवमेंट भी कराना है अभी टी सी एम एस क्या करेगा जो टी सी एम एस होगा वो क्या करेगा वो जो पर्टिकुलर जो डोर है उसे क्या कर देगा आइसोलेट कर देगा जब वो पर्टिकुलर डोर आइसोलेट हो जाएगा वो पर्टिकुलर डोर में कुछ फॉल्ट आने की वजह से वो डोर जब बराबर से काम नहीं कर पा रहा था तो जो टी सी एम एस है उसने क्या किया जो पर्टिकुलर जो डोर है उसे क्या कर दिया आइसोलेट कर दिया जब वो पर्टिकुलर डोर आइसोलेट हो जाएगा बाकी सब डोरों से तो ऐसे केस में जो डोर इंटरलॉक रिले होगा वो क्या हो जाएगा एनर्जाइज हो जाएगा डोर इंटरलॉक रिले जब एनर्जाइज हो जाएगा तो ऐसे केस में होगा क्या प्रपलशन सिस्टम को कमांड जाएगा और ट्रेन को ट्रैक्शन मिलेगा राइट तो यहाँ पर हमने देखा कि टी -से -से किस तरीके से फॉल्ट आने पर कैसे एक्शन लेता है राइट right. तो यहाँ पर वही लिखा है आइडेंटिफाई एंड एग्जीक्यूट प्रोटेक्टिव एक्शन इन केस ऑफ फॉल्ट अभी वो डोर आइसोलेट हो गया और जो पर्टिकुलर डोर जो खराब हुआ था जिसमें खराबी आने की वजह से वो काम नहीं कर रहा था वो आइसोलेट हो गया उसके बाद वो जो डोर है वो ओपन होगा ही नहीं बिल्कुल वो मेंटेनेंस स्टाफ के थ्रू ही ओपन होगा सेटिंग प्रायोरिटी एट द टाइम ऑफ ट्रेन वेकअप यहाँ पर कंट्रोलिंग किस तरीके से करेगा सेकेंड पॉइंट ये बोल रहा है जब हमारी ट्रेन वेकअप होती है जब हम लोग ट्रेन को ऑक्स ऑन करते हैं तो ऐसे केस में कौन सा सब सिस्टम पहला स्टार्ट होना चाहिए ये टी सी एम एस को पता होता है और टी सी एम एस वो पर पर्टिकुलर सब सिस्टम को ऑन करवाता है जैसे फॉर एक्जाम्पल जब हम लोग ट्रेन को ऑन करते हैं ना तो ऐसे केस में जो ऑगजिलरी कंप्रेसर होता है वो ऑन होता है राइट तो जब ऑक्जिलरी कंप्रेसर ऑन होता है तो ऐसे केस में होता क्या है जो ऑक्सिलरी कंप्रेसर जिसे बेसिकली बेबी कंप्रेसर भी बोला जाता है जब ऑक्सिलरी कंप्रेसर ऑन होता है तो ऐसे केस में होता क्या है जो पेंटो होते हैं वो रेज होने लगते हैं right? राइट फिर उसके बाद होता क्या है मेन कंप्रेसर ऑन होता है जैसे कि रफ एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग देखें जब हम लोग ट्रेन को वेकअप करते हैं ट्रेन को ऑन करते हैं तो पहले हमारा ऑक्सिलरी कंप्रेसर स्टार्ट होता है फिर मेन कंप्रेसर स्टार्ट होता है तो पहला ऑक्सिलरी कंप्रेसर को स्टार्ट करवाने का काम फिर मेन कंप्रेसर को स्टार्ट करवाने का काम कौन करेगा टी करेगा स्टार्टिंग टाइम ऑफ एस वी सी कंप्रेसर टू रिड्यूस दी इनरश करंट, राइट अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमारा जो वी सी सिस्टम होता है स्टैटिक वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम इसमें क्या लगा होता है इसमें बेसिकली कंप्रेसर लगा होता है अब ये जो कंप्रेसर है इसमें अगर स्टार्टिंग के टाइम हाई अमाउंट ऑफ इंडरस्ट करंट जाता है हाई अमाउंट ऑफ इंडस्ट करंट ये कंप्रेसर लेता है अब ये हाई अमाउंट ऑफ़ इनरेस्ट करंट की वजह से हो क्या सकता है हमारा जो वी सिस्टम है वो क्या हो सकता है उसमें फॉल्ट आ सकते हैं हाई अमाउंट ऑफ इंडस्ट करंट की वजह से जो कंप्रेसर है वो डैमेज हो सकता है जो कंप्रेसर है उसे हमें प्रोटेक्ट करना है राइट तो स्टार्टिंग के टाइम जो हाई अमाउंट ऑफ इंडस्ट करंट है उसको भी कंट्रोल करने का काम जो है वो टीसीमएस की कंट्रोलिंग फंक्शन में आता है राइट तो यहां पर अगर हम लोग देखें स्टार्टिंग टाइम ऑफ एस वी एस कंप्रेसर टू रिड्यूस करंट लोड ड्यू टू साइमिलटेनियसली स्टार्टिंग राइट जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें होता क्या है बेसिकली जब हम लोग ट्रेन को ऑन करते हैं ना तो पहले के जो कंप्रेसर है जैसे कि एक कार के ऊपर कितने वी ए सी लगे, लगे होते हैं दो वी ए सी लगे होते हैं अगर फिगर अगर विजिबल हो तो हम लोग देख सकते हैं एक जो कार होते हैं उसके ऊपर दो वी ए सी लगे होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें एक कार इस पे एक और पर एक वी ए सी और यहाँ पर एक वी ए सी ये दूसरी कार इस पर एक वी ए सी यहाँ पर एक वी ए सी या तीसरी कार यहाँ पर एक वी ए सी ये एक वी ए सी यहाँ पर ये चौथी कार यहाँ पर एक वी ए सी यहाँ पर एक वी ए सी वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम तो बेसिकली होता क्या है ना जो वी ए सी होते ना वी ए सी के जो कंप्रेसर होते हैं ना वो सिक्वेंशली स्टार्ट होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल जब हम लोग ट्रेन को ऑन करेंगे तो जब हम लोग ट्रेन को ऑन करेंगे तो ऐसे केस में क्या होना चाहिए ये जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट करते हैं यहाँ पर ये वाला जो वी हमें जो दिखाई दे रहा है पहला इसके कंप्रेसर स्टार्ट होना चाहिए फिर इसके कंप्रेसर स्टार्ट होना चाहिए फिर इसके कंप्रेसर स्टार्ट होना चाहिए फिर इसके होना चाहिए फिर इसके इसके एंड सोन राइट एक साथ में सारे कंप्रेसर ऑन नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से हाई अमाउंट ऑफ इंड्रेस्ट करंट जनरेट होगा जो कि हमारे सिस्टम के लिए अनडिज़ायरेबल होता है राइट right? तो यहाँ पर ये यह जो सारे जो वी एस है इन्हें सिक्वेंशली स्टार्ट करना है सिक्वेंशली स्टार्ट करवाना है अब ये जो सिक्वेंशली स्टार्ट करवाना है ये एक तरीके का कंट्रोलिंग फंक्शन है राइट right? अब ये जो कंट्रोलिंग फंक्शन है कौन प्रोवाइड करता है टी प्रोवाइड करता है तो कंट्रोलिंग में क्या क्या आ जाता है अगर कोई फॉल्ट आ जाता है तो फॉल्ट पे जो प्रोटेक्टिव एक्शन है किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है ये कंट्रोलिंग फंक्शन में आ जाता है टी के ट्रेन वेकअप के टाइम कौन सा सिस्टम पहला मतलब एनर्जाइज्ड uh, होना चाहिए ये बेसिकली कंट्रोलिंग फंक्शन में आ जाता है फिर उसके बाद जब हम लोग ट्रेन को स्टार्ट करते हैं जब वी एस ऑन होता है तो जो कंप्रेसर है वो सिक्वेंशियली स्टार्ट होना चाहिए ये भी कंट्रोलिंग फंक्शन में आ जाता है राइट तो ये सारे है क्या ये सारे कंट्रोलिंग फंक्शन में आ जाते हैं अब यहां पर अगर हम लोग देखें सुपरवि सुपरवाइजिंग कीप लॉग ऑफ फॉल्ट क्लासीफाइ फॉल्ट इन डिफरेंट लेवल प्रोवाइड सोल्यूशन अगेंस्ट फॉल्ट टू ट्रेन पायलट प्रोवाइड सोल्यूशंस अगेंस्ट फॉल्ट टू ट्रेन पायलट तो यहाँ से हमने क्या समझा जो टी सी एम एस है वो सुपरवाइजिंग भी करता है सुपरवाइजिंग किस तरीके से करता है जो फॉल्ट्स होते हैं उसके लॉग्स रखता है जैसे कि हमने बात किया जो थोड़े टाइम पहले हमने बात किया था रिपोर्टिंग के जब बारे में हम लोग बात कर रहे थे रिपोर्टिंग के बारे में बात कर रहे थे तब हमने ये डिस्कस किया था कि जो टी सी एम एस है उसके थ्रू हम लोग इन्फॉर्मेशन को भी ले सकते हैं टी सी एम एस के थ्रू हम लोग इनफॉर्मेशन को भी ले सकते हैं इन फॉर्म ऑफ लॉग्स इन द फॉर्म ऑफ वीडियो राइट अभी इन्फॉर्मेशन के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं कोई भी जो मतलब जो फेलियर है उसका इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं तो सेम चीज़ यहाँ पर भी लगी है लिखी है सुपरवाइजिंग सुपरवाइजिंग में होगा कि जो फॉल्ट है उसके लॉग्स रखेगा टी सी एम एस फॉल्ट के लॉग्स रखेगा और वो जो लॉग्स होंगे उसे डाउनलोड करेंगे मेंटेनेंस स्टाफ और वो लॉग्स को डाउनलोड करने के बाद होगा क्या वो जो फॉल्ट है उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा राइट right? तो फॉल्ट के लॉक को रखना राइट फॉल्ट की इंफॉर्मेशन को रखना फॉल्ट को अलग अलग लेवल में क्लासिफाई करना और वो फॉल्ट के अगेंस्ट क्या सोल्यूशन होगा उसके भी बारे में बताना ट्रेन पायलट को तो ये है क्या ये बेसिकली सुपरवाइजिंग में आ गया राइट तो सुपरवाइजिंग में क्या क्या आ गया फॉल्ट के लॉकस को रखना और जो फॉल्ट है उसे अलग अलग लेवल में क्लासीफाई करना जो ट्रेन पायलट है फॉल्ट के रिगार्डिंग क्या सोल्यूशन होगा उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देना ट्रेन पायलट को तो ये सारे का सारा किस में आ गया सुपरवाइजिंग में आ गया अभी यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ट्रे टी सी एम एस के फंक्शंस के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे अभी हम लोग जैसे कि हमने बात किया था टी सी एम एस में जो अलग अलग जो इक्विपमेंट है उसके बारे में हमें बात करना अलग अलग कॉम्पोनेंट्स के बारे में बात करना है तो टी सी एम एस के अलग अलग कॉम्पोनेंट्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है मेन प्रोसेसिंग यूनिट होता है अभी जो मेन प्रोसेसिंग यूनिट होता है ये क्या करता है जो मेन प्रोसेसिंग यूनिट मॉनिटरिंग हो गया कंट्रोलिंग हो गया रिकॉर्डिंग हो गया ये एम पी यू जो होता है मेन प्रोसेसिंग यूनिट रिस्पॉन्सिबल होता है मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोलिंग के लिए और रिकॉर्डिंग के लिए अब ये जो मेन प्रोसेसिंग यूनिट है ये हमारा डी एम सी मोटर वन वन डी एम वन में और डी एम टू में लगा होता है मतलब जो कैब होता है कैब साइड में लगा होता है फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें दूसरा जो कॉम्पोनेंट है वो है सी आर मतलब क्या है कंसिस्टरिंग स्विच अभी जो कंसिस्ट्रिंग स्विच होती है क्या करती है अलग अलग सब सिस्टम को क्या करती है कनेक्ट करती है जैसे कि हमने बात किया जो टी सी एम एस होता है वो अलग अलग सब सिस्टम से क्या करता है कम्युनिकेट करता है अलग अलग सब सिस्टम से कहना कैसा कम्युनिकेट कर पाएगा जब टी सी एम एस वो सारे सब सिस्टम से कनेक्टेड होगा टी सी एम एस वो सारे सब सिस्टम से इंटरफेस होता है सारे सब सिस्टम से कनेक्टेड होता है विद दी हेल्प ऑफ सी आर एस कंसिस्ट्रिंग स्विच अभी जो कंसिस्ट्रिंग स्विच होती है क्या करती है सब सिस्टम और टी को कनेक्ट करने का काम करती है कनेक्टेड टू दी सब सिस्टम फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें बेसिक रिमोट इनपुट आउटपुट बी आर आई ओ तो यहाँ पर ये यह है क्या बेसिकली इनपुट और आउटपुट होता है बेसिक रिमोट इनपुट आउटपुट होता है ये बेसिकली जो डी एम सी वन कार होती है उसमें सात लगा होता है और जो डी एम सी टू कार है उसमें भी सात लगा होता है अब ये सी आर एस के बारे में अगर हम लोग देखें जो कंसिस्टिंग स्विच है कंसिस्टिंग स्विच अगर हम लोग देखें कंसिस्टिंग स्विच जो ड्राइवर कैब होता है वहाँ पर छः लगा होता है डी एम सी वन साइड में छः लगा होता है और डी एम सी टू साइड में कितना लगा होता है छः लगा होता है बाकी बीच में कितना लगा, है? लगा है। तो है होता है चार लगा होता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कंसिस्टिंग स्विच होता है ये चार लगा होता है T1, M1, M2, M3, M4, T2 में और DMC1 और DMC2 में कितना लगा होता है छः लगा होता है फिर उसके बाद बेसिक रिमोट इनपुट एंड आउटपुट बेसिक रिमोट इनपुट एंड आउटपुट ये DMC1 में सात लगा होता है DMC2 में सात लगा होता है फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें TC1 में थ्री लगा होता है M1 में टू लगा होता है M2 में थ्री लगा होता है एंड देन एम में टू लगा होता है एम में टू लगा होता है और एम में कितना लगा होता है थ्री लगा होता है मतलब जो बेसिक रिमोट इनपुट एंड आउटपुट जिसे को जिसे बेसिकली ब्रियोम भी बोला जाता है ये डी एम सी वन और डी एम सी टू साइड में सात लगा होता है टी सी वन टी सी टू और एम सी टू टी सी वन टी सी टू और एम सी टू में कितना लगा होता है तीन लगा होता है और ये टी सी वन टी सी टू एम सी टू इसको कैसे याद रखना है इसके बारे में हमने बात किया है राइट टी सी वन टी सी टू और एम सी टू में कितना लगा होता है तीन लगा होता है बाकी सब जगह कितना लगा होता है टू लगा होता है अभी ड्राइवर डिस्प्ले यूनिट ड्राइवर डिस्प्ले यूनिट ये भी इसका फंक्शन क्या है ये एक तरीके का डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है इवेंट रिकॉर्डर रियल टाइम सिग्नल रिकॉर्डिंग सिग्नल रिकॉर्डिंग का काम करने का काम करता है इवेंट रिकॉर्डर इवेंट रिकॉर्डर कहाँ लगा होता है डी एम सी वन साइड में वन और डी एम सी टू साइड में एक लगा होता है नेट बॉक्स राउटर अब ये जो नेट बॉक्स राउटर होता है ये क्या करता है जो टी सी एम एस और जो सी सी टी वी जो नेटवर्क है दोनों के बीच में इंटरफेसिंग प्रोवाइड करता है राइट right, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरफेसिंग ऑफ टी सी एम एस एंड सी सी टी वी नेटवर्क तो नेट बॉक्स राउटर का क्या काम होता है सी सी टी वी नेटवर्क और जो टी सी एम एस है दोनों के बीच में इंटरफेसिंग प्रोवाइड करना डी एम सी वन साइड में एक लगा होता है डी एम सी टू साइड में एक लगा होता है ऑन बोर्ड मेंटेनेंस सिस्टम अब ये जो ऑन बोर्ड मेंटेनेंस सिस्टम होता है बेसिकली ट्रेन टू ग्राउंड कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है डी एम सी वन साइड पर वन लगा होता है डी एम सी टू साइड पर वन लगा होता है तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो ऑन बोर्ड मेंटेनेंस सिस्टम है ये बेसिकली कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है डी वन साइड पर एक लगा होता है और डी टू साइड पर एक लगा होता है तो ये सारे मतलब इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है टी के जिसमें से एम के बारे में हमने बात किया सी के बारे में बात किया ब्रीओम के बारे में बात किया इनपुट आउटपुट है बेसिक रिमोट इनपुट आउटपुट इवेंट रिकॉर्डर है जो कि रियल टाइम सिग्नल रिकॉर्डिंग करता है नेट बॉक्स राउटर टी सी एम एस नेटवर्क को इंटरफेसिंग करता है ओ एम ऑन बोर्ड मेंटेनेंस सिस्टम है जो कि ट्रेन टू ग्राउंड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है इसके बाद अभी अगर हम फर्दर हम लोग बात अभी तो हमने यहां पर बात किया टीसीएमएस के कंपोनेंट के बारे में राइट टीसीएमएस के कंपोनेंट के बारे में आगे हम लोग बात करेंगे टीसीएमएस की इंटरफेसिंग के बारे में राइट किस तरीके से टीसीएमएस को इंटर